हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल विल बी टॉकिंग अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन व्हाट इज सेल यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग अराउंड आर अदर लिविंग और नॉन लिविंग हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ सेट कुछ फंक्शंस करते हैं जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर उनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ठीक है और ग्रोथ करते हैं डेवलपमेंट करते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं या माइक्रोब्स हैं सारे सब में क्या होती है ग्रोथ होती है और उनमें डेवलपमेंट भी होता है बट अगर आप नॉन लिविंग को देखें अगर आप किसी स्टोन को देखें तो वो साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होता है और जैसे कि डेड वुड को देखोगे तो वो क्या है वो भी नॉन लिविंग थिंग में आ जाती है ठीक है तो वो भी अपने साइज में इंक्रीज़ नहीं होगी उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होगी कोई मूवमेंट नहीं होगा बट जो लिविंग है उनमें मूवमेंट होगा ठीक है न्यूट्रिशन उनमें न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन लेंगे तब न्यूट्रिशन की हेल्प से उनमें ग्रोथ होगी रेस्पिरेशन होगा उनमें एक्सक्रीशन होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा यानी कि वो अपने नंबर में इंक्रीज करेंगे अपने स्ट्रक्चर में इंक्रीज़ करेंगे मूवमेंट भी करेंगे रेस्पिरेशन भी करेंगे और एक्सक्रीशन भी करेंगे डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड ये देखा है ना आपने कि डिफरेंट और आपको पता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं इन दिस चैप्टर यू सेल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल देखो जो सेल होती है जैसे मैं अपने हाथ की सेल्स की बात करूँ तो जो मेरा हाथ है ना उस वो भी किससे बनाएं सेल से मिलके के बनाएँ तो यानी कि जो सेल है वो मेरे हाथ की क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट और जब वो बना है तो उसे मैं फंक्शन कर पा रही हूँ तो वो क्या होगा फंक्शन तो यानी कि उन्हीं सेल की हेल्प से तो फंक्शन हो रहा है तो क्या है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल्स में भी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग जैसे हम देखते हैं ना ईंटों से क्या बनता है ईंटों ईंटें मिल के एक क्या बनाती हैं बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती हैं सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म सेम ऐसे ही जो सेल्स होती हैं उनकी वजह से उनकी हेल्प से एक के साथ एक मिलके वो भी क्या बनाती हैं ऑर्गन बनाती है पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है डिस्कवरी ऑफ द सेल सेल को किसने डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन सिक्सटी फाइव जो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने सिक्सटीन में ऑब्जर्व स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस उन्होंने कॉर्क की स्लाइसिस ली और उसे एक सिंपल से मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा तो क्या दिखा उन्हें कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री अच्छा और अच्छा, जो कॉर्क होता है ना वो क्या होता है ट्री का बार्क, यानि कि छाल होती है ठीक है ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप उन्होंने कॉर्क की थिन पतली सी स्लाइसेस ली छोटी छोटी पीसेस लिए कॉर्क क्या था वो एक ट्री था उसकी बाग यानी कि उसकी छाल ठीक है वो डेड होती है ना वो लिया उन्होंने ही नोटिस्ड पार्टीशंस बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस और उन्होंने क्या देखा इसमें अलग अलग देखो यहाँ पे ये बनाए हैं कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने इस तरीके की कॉर्क सेल देखी तो उन्हें क्या दिखा ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है कॉर्क सेल छोटे छोटे बॉक्स हैं इसमें ठीक है दीज बॉक्सिस एपियर लाएगा हनी कॉम और ये बॉक्स कैसे दिख रहे थे मधुमक्खी के छत्ते के जैसे हनी कॉम के जैसे ठीक है ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन और उन्हें क्या दिखा जैसे ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे थे उन्हें तो उन्हें क्या दिखा दो जैसे दो बॉक्स है ना तो वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट है इसके बाहर भी एक वॉल है ठीक है इसके बाहर भी एक वॉल है जैसे कि ये है ना तो इसके बाहर भी एक वॉल है ऐसे तो ये क्या थी वॉल पार्टीशन हुक क्विंट द टर्म सेल्स फॉर ईच बॉक्स और हुक ने सारी सारे एक एक बॉक्स को यानी कि ये सिंगल क्या है सेल और इसके बाहर जो पार्टीशन था उसे क्या बोला था वो क्या होती है सेल के बाहर सेल वॉल ठीक है वट हुक ऑब्जर्व ही एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल और जो हुक ने जो सेल ऑब्जर्व की थी वो कैसी थी डेड सेल थी क्योंकि हमें पता है जो प्लांट की बार्क होती है छाल होती है वो उसमें सारे सेल्स मर चुके होते हैं डेड हो चुके होते हैं और वो डेड सेल कॉर्क भी कॉर्क सेल कैसी थी डेड सेल थी सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज कुड भी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूवड माइक्रोस्कोप्स और जब एकदम जो अच्छे से सेल से की ऑब्जर्व uh, किया और उसे अच्छे से डिस्कवर किया वो किसकी हेल्प से इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया एंटोन वन ल्यून हुक ने डिस्कवर किया था ठीक है उसके बाद क्या है वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट वन फिफ्टी ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन उसके बाद वन फिफ्टी ईयर्स तक ऐसा ही चलता रहा थोड़ा बहुत इतना ही ज़्यादा डिटेल पता नहीं थी सेल के बारे में बट इतना पता था कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके बना हो बनी होती है सेल्स और एक दूसरे से एक वॉल की वजह से सेपरेट होती है और ऐसा ही चलता रहा फिर आगे जाके कौन आए एंटोनी वॉन ल्यो हुक और उन्होंने सेल को एक मैग्नीफाइंग एक अच्छे से किससे माइक्रोस्कोप से देखा और बताया और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को और डिटेल में बताया ठीक है टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड इट्स फंक्शन अब तो हमें अच्छे से पता है ना क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स भी बन चुके हैं ना तो उसकी हेल्प से हमने आज अब तो हम अच्छे से देख पाते हैं सेल को हमें उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पता है बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन जो इम्प्रूवड आजकल के जो माइक्रोस्कोप हैं उनमें हाई मैग्नीफिकेशन है जिसकी हेल्प से हम आसानी से देख पाते हैं सेल को और उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को आसानी से स्टडी कर पाते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू